जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको इनफर्टिलिटी यानी बांझपन दूर करने का उपाय बता रहा हूं। इनफर्टिलिटी की वजह से कई महिलाओं को बहुत टेंशन रहती है, समय से गर्भ नहीं ठहर पाता या शादी के कई साल हो जाते हैं गर्भ नहीं ठहर पाता, तो आप ब्लैक रीजन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लैक रीजन गर्भधारण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसकी विधि क्या है वह मैं समझा रहा हूं आपको, किस विधि से लेना है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि किशमिश, ब्लैक रीजन यानी काली किशमिश हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। यह बहुत सारे रोगों को दूर करती है और हमारे शरीर को स्वस्थ रखती है। इसके अंदर लौह तत्व काफी ऐसे कैल्शियम पाए जाते हैं जो हमारे अनबैलेंस हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं और गर्भधारण यानी कंसीव करने में मदद करते हैं। अब आपको इसका यूज कैसे करना है, आप ब्लैक रीजन ला करके रख लें। ब्लैक रीजन वाटर यूज इनफर्टिलिटी यानी आपको इसका यूज सिर्फ उन महिलाओं को करना है जो गर्भधारण करने में उनको दिक्कत आ रही है, जिस विधि से मैं बता रहा हूं। बाकी सभी जिन्होंने गर्भधारण कर लिया है या नहीं किया है वो सभी इसका यूज कर सकते हैं। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत बेहतरीन चीज है। शाम के समय एक गिलास पानी में ब्लैक रीजन डाल दें, करीबन 20-25 ग्राम, और सुबह के समय जैसे आप स्नान आदि कर लें उसके बाद में जो उसका पानी होगा, पानी बिल्कुल साफ रखें, साफ पानी में इनको डालें, वह पानी आपको पी लेना है। पानी पी लेना है और उसमें जो ब्लैक रीजन जो पड़ी रहती है वो बीज वाली देखनी है आपको, ना किशमिश हो ना मुनक्का हो, उनको खा लेना है। वाटर जो पानी है वह महिलाओं को पीना है और जो काली किशमिश है वह स्त्री पुरुष दोनों खा लेना। इसके द्वारा खून साफ होता है, शरीर में हार्मोन्स बनते हैं, गर्भधारण में सहयोग प्राप्त होता है और जिनको भी ये दिक्कतें आ रही हैं वह इसे जरूर यूज करें और शीघ्र से शीघ्र इसका लाभ आपको मिल जाएगा। मैंने आपको पहले एक वीडियो बना के डाला था, उसमें बताया था कि सिनेमोन और ब्लैक रीजन यानी सिनेमोन और करौंजी इन दोनों का उपयोग बताया था, वह उपयोग भी कर सकते हैं। अगर वो उपयोग ना कर सकें तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ये ना तो हानि पहुंचाता है ना कोई इसके साइड इफेक्ट हैं और यह बिल्कुल आयुर्वेदिक चीज है और किशमिश तो वैसे ही आमतौर पर लोग खाते रहते हैं, तो इसका आप प्रयोग करें और उसके बाद में आपको गर्भधारण में कंसीव में सहयोग प्राप्त होगा। और इसको आप सुबह ना खा सकें तो शाम को भी नाश्ता यानी डिनर से पहले इसका उपयोग कर सकते हैं, एक घंटे डेढ़ घंटे पहले या सोते समय, जैसे आपको सुविधा लगे उस प्रकार से आप इसे यूज करें, आपको लाभ मिलेगा, सफलता मिलेगी। जय श्री कृष्णा।